हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिस्ट्री फॉरवर्ड। व्यूवर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की कन्वर्सेशन इतनी बोरिंग क्यों होती है? दरअसल वो लोग ग्राइस की जो फोर मैक्सम्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ग्राइस की कोऑपरेटिव प्रिंसिपल थ्योरी उसके आर्टिकल लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। उसने ये आर्टिकल 1975 में लिखा। इस आर्टिकल में उसने वो एलिमेंट्स बताए और मैकेनिज्म बताया जिससे कन्वर्सेशन जो है वो सक्सेसफुल हो और उसका जो मकसद है, पर्पस है, वो कंप्लीट हो। उसने जो सक्सेसफुल कन्वर्सेशन के लिए फोर मैक्सम्स बताए वो हैं मैक्सम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सम ऑफ क्वालिटी, मैक्सम ऑफ रेलेवेंस, मैक्सम ऑफ मैनर। सबसे पहले मैक्सम होता क्या है? मैक्सम वो रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जिससे हमारी कन्वर्सेशन जो है वो इफेक्टिव बनती है और सक्सेसफुल रहती है। अब सबसे पहला जो मैक्सिम है, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी हमें बताती है कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो उतनी इंफॉर्मेटिव हो जितनी ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए ना उससे कम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी से पूछता है कि क्या आपके पास पेन है, वो कहे कि हाँ मेरे पास दो पेन है और एक बैग में पड़ा हुआ है, एक जेब में है। जो बैग में पड़ा हुआ है वो ब्लैक पॉइंटर है और जो जेब में है वो ब्लू बॉल पेन है। अब इतनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी को फॉलो नहीं करता। अगर वो इसकी जगह पे सिंपली कह देता कि हाँ मेरे पास दो पेन है, तो ये मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी को फॉलो करती। सेकंड मैक्सिम है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिम ऑफ क्वालिटी हमें बताती है कि आप वो बात करें जो आप समझते हैं कि ये सच है, इसमें झूठ ना बोले। जो भी आप कन्वर्सेशन करें वो ट्रुथफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या बारिश होने वाली है, तो आप कहें कि हाँ बारिश होने वाली है क्योंकि वेदर फोरकास्ट में भी यही बताया गया है और ये बादल भी हैं, तो ये सच है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये मैक्सिम ऑफ क्वालिटी को फॉलो करती है। तीसरा मैक्सिम है मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस। अब मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस हमें कहती है कि आप जो बात हो रही है उसके रिलेवेंट रहें उससे और उसके चौगिर्द रहें, उसको छोड़े नहीं, उस टॉपिक से हटे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि लंच में क्या है, आप बोलें कि ये लंच में जो है बिरयानी है जो मैं टिफ़िन में ले आया हूँ, और टिफ़िन जो है हमने इस मार्केट से ख़रीद की है और इतने में ख़रीद की है, टिफ़िन प्लास्टिक की है या ये चीज़ें। आप टिफ़िन यानी कि बात हो रही थी लंच पे, आप लंच को छोड़ के टिफ़िन पे बात करना शुरू हो जाएं, ये मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस के खिलाफ है। मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस को ये फॉलो नहीं करती। अगर इसकी जगह पे आप कहते कि हाँ लंच में सिर्फ जो है बिरयानी है, तो ये मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस को फॉलो करती। अब चौथा मैक्सिम है मैक्सिम ऑफ मैनर। मैक्सिम ऑफ मैनर हमें कहती है कि आप क्लियर बात करें और कंसाइज बात करें, ना डिटेल ज़्यादा दें, कंसाइज हो और क्लियर हो, ऐसी बात ना हो जो आपको शक में डाल दे। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने प्रोजेक्ट सबमिट करा दी, तो आप कहते हैं हाँ मैंने कल ही प्रोजेक्ट सबमिट करा दी। अब ये बात कंसाइज भी है और क्लियर भी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको किसी शक में डाल दे।